विवाद के चलते युवक का सरेराह सर कलम करने वके से हमला। खबर करेरा से आ रही है। यहां पर पुराने विवाद के चलते एक युवक पर सरेराह वके से हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरियादी हरवंश पुत्र दयाराम जाटव 11 साल निवासी फिल्टर रोड करेरा ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले छोटू खटीक व भूपेंद्र खटीक पुत्र राम सेवक खटीक ने मेरे भाई पर चोरी का झूठा इल्जाम वो लगा रहे थे। इस बात को लेकर 15 दिन पूर्व विवाद हुआ था। 2 सितंबर को शाम 5 बजे की बात है, जब वो जा रहा था तभी वहां पर छोटू और भूपेंद्र खटीक आ गए और पुराने विवाद को लेकर झगड़ने लगे। तभी भूपेंद्र खटीक ने पकड़ लिया और छोटू ने जान से मारने की नीयत से गर्दन पर बके से हमला कर दिया और भाग गए। घटना में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। मेरे साथ कल मैं अपने शाम घर जा रहा था तो दोनों भाइयों ने एक ने पकड़ा और एक ने मेरे गली में चाकू मारा। किसने? भूपेंद्र और छोटू थे, दोनों भाई थे। अच्छा, क्यों मार दिया भैया? अभी राजे पुराना विवाद चला रहा था, मेरे भाई की लोगों ने कंप्लेंट कर रखी थी, उनके सीधे केस में फंसा रखा था, उस वजह से ये मेरे साथ कल हादसा कर दिया। थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? हाँ, थाने में रिपोर्ट लिखा रखी है, FIR लगी लाया हूँ। कहाँ से आए हो आप? करेरा क्षेत्र से। कौन सा गाँव? फिल्टर रोड कटर कलारी की जस्ट सामने।